बादशाह के निजी आराम और मुलाकात का महल था। इसके आगे दीवान खास था। यहाँ शहंशाह अपने मंत्रियों से दरबार के मामलों पर परामर्श किया करते थे और यही था हिंदुस्तान का प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताऊस। सिंहासन के छत पर दो मोर पक्षियों के बीच जड़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तख्ते ताऊस की शान कोहिनूर। बादशाह के निवास के बगल में खूबसूरत हमाम था जो खास शाही परिवार के आदमियों के लिए था। पूरे लाल किले के खूबसूरत भवनों में और साथ ही हयात बख्श बाग, मेहताब बाग, सावन भादों और मुमताज महल में यमुना का बेहतरीन पानी नहरे बहिष्ट या स्वर्ग की धारा में बहता था। 200 वर्षों तक लाल किले ने कई आक्रमणों का सामना किया और मुगलिया सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान का दिल बनकर मजबूत खड़ा रहा। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने आजादी की पहली लड़ाई के जवाब में किले पर धावा बोल दिया। किले की लगभग 80% इमारतों को नष्ट कर दिया गया और उनकी जगह ले ली अंग्रेजों की बैरकों ने। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी की पहली लड़ाई के लगभग 100 साल बाद भारत स्वतंत्र हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। तब से आज तक हमारे देश की एकता का प्रतीक बनकर यह लाल किला गर्व से खड़ा।